welcome back to my YouTube channel. It's me Priya and you're watching Girls of the Kids Priya. So in today's video, आज का आपको टॉपिक पता चल ही गया होगा मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख के. आज मैं करने वाली हूँ वॉच और माय आईपैड वीडियो. सो गाइस बेसिकली न्यू अपडेट आया था आईपैड में, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मैं आप सभी लोगों को दिखाऊं विद, बिकॉज मैंने कुछ कस्टमाइज किया था मेरे आईपैड में, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट आप सभी लोगों के साथ शेयर करती हूँ. विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट टू द वीडियो. इफ यू आर न्यू सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द पोस्ट नोटिफिकेशन सो यू विल बी नोटिफाइड एवरी सिंगल वीडियो. इफ यू लाइक इट मेक श्योर लाइक एंड शेयर. सो लेट्स गो गाइस. अगर कि आप मेरे आईपैड को कवर में से निकालेंगे तो पहले तो मेरा कवर है कुछ मरून डीप रेड, रेड अब बोल सकते हैं आपको जो कलर बोलना है. बेसिकली मुझे रेड कलर बहुत ही अच्छा लगता है, रेड एंड ब्लू. सो ये रेड कलर का है. अगर कि मैं मेरे आईपैड को निकालूंगी एंड मेरा आईपैड कौन से कलर का है, तो मेरा आईपैड है सिल्वर एंड ग्रे. आप जो मानना आप वो मान सकते हैं. ये रहा एप्पल का लोगो और ये रहा मेरा छोटा सा कैमरा. आपके पास कौन से जनरेशन का है? मेरे पास 8 जनरेशन का है. ऐसा नहीं कि आप वो ही बोलिए, आपके पास कौन सा टैबलेट है वो भी बोल सकते हैं. मेरे पास ये एप्पल का आईपैड है, आपके पास कौन सा टैबलेट है या फिर आईपैड मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए. सो ये रहा एंड अब मैं इसे कवर में डाल देती हूँ, सेफ्टी फर्स्ट. सो नाउ लेट्स मूव विद द वीडियो. ऐसे स्क्रीन, ओके. सो आपको दिखाई देगी पहले तो ऐसे स्क्रीन. तो मैंने बेसिकली सारे ऐप्स को मैंने फोल्डर में कन्वर्ट करके रखा है, फोल्डर इनटू कलर्स. मैंने मेरे सारे ऐप्स को कलर्स में डिवाइड कर लिया है. मेरे कलर्स है वाइट येलो, मैंने येलो एंड ऑरेंज मिक्स रखा है, दैन ब्लू ग्रीन पर्पल ब्लैक एंड रेड. मैंने सारे ऐप्स को मैंने बताया ऐसे मैंने सबको कलर्स में डिवाइड कर दिया है. और मेरी एक ही स्लाइड है, मैंने कोई दूसरी स्लाइड नहीं रखी हुई है, बस एक ही स्लाइड रखी हुई है मैंने. एंड मेरे कुछ इतने फोल्डर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फोल्डर्स हैं मेरे. तो फर्स्ट फोल्डर किस तरफ बढ़ता है, तो मेरा वाइट कलर का फर्स्ट फोल्डर है, तो इसमें मैंने रखा हुआ है कैलेंडर, होम, फोटोज, रिमाइंडर्स, क्रोम, एक्सड्रॉप मेरी स्कूल की ऐप है, देन कॉन्टेक्ट, जीमेल एंड नोट्स. सो कैलेंडर तो ऑब्वियसली ऐप में हमें जब हम बाय करते हैं तब इंक्लूडेड होता है. वैसे बहुत सारी ऐप्स इंक्लूडेड होती है जब आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन या फिर कुछ ले. तो सो एक्सड्रॉप है जिसमें मैं मेरे सारे फोटोज एज अ जेंडर आप बोल सकते हैं कि जेंडर की तरह मैं शेयर करती हूँ एक डिवाइस से एक डिवाइस तक. सो ये मेरा है वाइट फोल्डर जिसमें मैंने ऐप्स रखी हुई है वाइट कलर्स की, जितनी भी ऐप्स है वो सारी. एंड नेक्स्ट है मेरी येलो. सो येलो में है स्नैपचैट, पेजेस, टिप्स, गूगल कीप, इंट्रो मेकर, फोटो ग्रिड, टॉम गोल्डन रन, गैराज बैंड, बुक्स, जिनिया एंड एक्स स्क्रीन रिकॉर्डर. सो स्नैपचैट है, दैन देखिए मैं आपको बोल रही हूँ पेजेस एंड टिप्स इंक्लूडेड ऐप्स है. देन गूगल कीप मुझे डाउनलोड करनी पड़ी, ये नहीं आई थी. देन टॉम गोल्डन रन ये मैप बहुत ही मज़ा आती है मुझे खेलने में. एंड एक टाइप की सफ़े सफारी है ये आप बोल सकते हैं. देन ये है ऑरेंज एंड येलो कलर की ऐप. सो नेक्स्ट है मेरा ब्लू फोल्डर. ब्लू फोल्डर में मैंने रखा है ऐप स्टोर, जूम, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, मैप्स, सफारी, एनी प्लेन एक सीक्रेट डायरी की तरह है. देन बेसिक्स 12 मेल, की नोट, हेड चैलेंज, गेम, क्लिप्स, फाइल्स, एप्पल स्टोर एंड पीछे एक मैंने रखा हुआ सिंगल स्टम्बल गाइस. सो ये सारी मेरी ब्लू कलर की एप्स हैं. नेक्स्ट माई इज ग्रीन फोल्डर. ग्रीन फोल्डर में है मैसेंजर जैसे आप व्हाट्सएप बोल सकते हैं, गूगल क्लासरूम, फेस टाइम, मैसेजेस, नंबर, फाइंड माई. सो ये सारी ग्रीन कलर की एप्स हैं मेरी. उसके बाद है पर्पल, तो पर्पल में है कुछ थंबनेल मेकर, आई मूवी, पिक्स आर्ट, शॉर्टकट्स, पॉडकास्ट, आईट्यून स्टोर एंड स्क्रीन रिकॉर्डर. सो ये सारी ऐप्स हैं मेरी पर्पल कलर की. एंड ब्लैक में है कैलकुलेटर, कैमरा, ब्रिनली. ब्रिनली ऐप है जिसमें आप स्टडी कर सकते हैं, मेरे पास स्टडी के लिए है ये ऐप. एप्पल टीवी, मिशोर, स्टॉक्स, वॉइस मेम्स, सेटिंग्स, क्लॉक एंड वेजेट स्मिथ. सो ये सारी ब्लैक कलर की ऐप्स हैं मेरी.
ऑब्वियसली रेड तो होगा ही. सो रेड में है गाना, यूट्यूब, यूट्यूब स्टूडियो, पावर पॉइंट, एनसीईआरटी बुक्स, एंड हमने मेकोर, इन शॉर्ट कैनमोस्टो, म्यूजिक, फोटो बूथ, ऑफिस एंड लूडो किंग. लूडो किंग मैं तब खेलती हूँ जब मेरा फैमिली टाइम होता है, सारे फैमिली जब बैठ के दैन लूडो किंग खेलते हैं. फोटो बूथ में अभी मैं कुछ ऐसे दिखा दे रही हूँ. ओके सो यूट्यूब मेरी चैनल. ओके सो गाइस थैंक यू फॉर 166 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच. ओके सो ये है सारी रेड कलर की ऐप्स. सो आपने देख ली सारी ऐप. अब बात करते हैं वेजिट्स के बारे में. ये शेयर करती हूँ मैं. सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ. तो ये मेरा है कुछ ऐसा साइट का प्लेटफॉर्म, आपको दिखाई दे रहा होगा. तो मैंने रखा हुआ इस में कौन सा डे एंड जो भी है वो डे टाइम डेट ईयर कौन सा है. दैन रिमाइंडर रखा हुआ है कि जिससे मैं देखूँ तो याद आए कि हाँ मुझे ये करनी है. देन थोड़ा नीचे से स्वाइप करेंगे तो मेरा थोड़ा सा पोर्शन आएगा जिसमें मैंने गूगल कीप का बजट रखा हुआ है एंड एक शेड्यूल का, शेड्यूल ऐप का एक बजट रखा हुआ है. सो अगर कि आप इसे ऊपर करेंगे तो मैंने इसे स्क्रोलिंग करके रखा हुआ है कि लाइक मेरे बर्थडे का है काउंटडाउन रखा हुआ है. देन ये मैंने ये रखा हुआ है, ये मतलब कि मैंने इसे स्क्रोलिंग करके रखा हुआ है. जो जो ये चाहिए मुझे रख देखती हूँ. मैंने यूट्यूब का रखा हुआ है एंड बैटरी का भी मैंने रखा हुआ है कि मेरी बैटरी कितनी बची है, कितनी लेफ्ट है वो. तो मैं आपको दिखा दूँ कि बेसिकली आप इसे क्रिएट कैसे कर सकते हैं. तो आपको पहले अपनी वेजिट्स में ऐप को आपको डाउनलोड करना है. तो मैंने यहाँ पे ये डाउनलोड कर ली है. आपको इजी से मिल सकती है, ये मिल जाती है ये ऐप स्टोर में. ये कोई फ्री है पूरी, आपको कोई पेड नहीं करना पड़ेगा, ये पूरी फ्री है. सो अगर कि आप ये खोलेंगे तो आपको अगर कि अपना बर्थडे का काउंटडाउन रखना है तो आपको यहाँ पे एड अ स्मॉल वेजिट, आपको जो जो भी चाहिए वो आप कर सकता है. सो आपको मैंने यहाँ पे स्मॉल वेजिट की हुई है. देन आपको उसके ऊपर क्लिक करना है. देन आपको छोटा सा ये एरो दिखाई दे रहा होगा, आई मीन स्मॉल हैशटैग फिफ्थ करके आपको वहाँ पे क्लिक करना है. आप उसका नेम भी रिनेम कर सकते हैं आपको जो चाहिए वो. मैं तो लाइक मैं यूट्यूब कर लेती हूँ. मैं कोई भी नेम रख सकते हैं आप सब लोग. यूट्यूब लिखना था बेसिकली. ओके सो अब आपको उस पर क्लिक करना है. एंड आपको बहुत सारे अलग अलग मिल जाएंगे, लाइक आपको मिलेगा टाइम मिलेगा, देन आपको डेट मिलेंगे, फोटो मिलेगा, वेदर मिलेगा. आपको पेड करना है तो पेडली भी है, फ्री करना है तो फ्री का भी है. देन बैटरी आइकॉन है, कैलेंडर है, देन रिमाइंडर्स है, टाइप्स है एंड दूसरा बहुत सा कुछ है. सो मुझे अगर कि मेरा एक काउंटडाउन रखना है आपको जाना है फोटो काउंटडाउन. आपको मिलेगा फोटोज़ में फोटो काउंटडाउन, आपको ये मिल गया. देन आपको वहाँ पे पहले तो आपको जो थीम रखनी है आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं. मुझे कस्टमाइज नहीं करनी, मुझे इधर से ही ले लेनी है. ओके आप कोई भी रख सकते हैं, आपको जो भी चाहिए वो. देन यहाँ पे सिलेक्ट फ़ोटो, आप पीछे बैकग्राउंड के लिए कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट कर सकता है. मैंने ऐसा सिंपल ये फ़ोटो सिलेक्ट कर दिया. एंड टेक्स्ट आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं कि आपको सपोज़ कि न्यू ईयर, क्रिसमस का जो भी करना है. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यू ईयर. ओके सो मैंने यहाँ पे न्यू ईयर का कर दिया. देन आपको डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना है. सो सपोज़ कि लाइक न्यू ईयर तो दिसंबर को होता है, तो दिसंबर 31 को मैंने कर दिया. 31 December 2021 12 AM का रख दिया मैंने. नहीं एक्चुअली इधर आएगा फर्स्ट ये वाला, तो मैंने रख दिया यहाँ पे ये. सो अब आपको बेसिकली फिर से आपको स्मॉल हैशटैग 5 पे जाके देन आपको सेव कर देना है. तो आपको वो वेजेस सेव हो जाएगा. देन आपको यहाँ पे नीचे जाके एडिट का एक ऑप्शन मिलेगा. देन आपको प्लस का एकदम लेफ्ट कॉर्नर पे आपको छोटा सा प्लस का आइकॉन मिलेगा. वहाँ पे आपको क्लिक करके देन आपको नीचे जाके वेजिट मिड का चेक करना है. देन आपने जो साइज़ दी थी लार्ज मीडियम, देन लार्ज मीडियम स्मॉल जो भी, मैं यहाँ पे स्मॉल ली थी स्मॉल. देन आपको उसके ऊपर क्लिक करके रखना है.
देन आपको एडिट विजिट करके एंड देखिए हमारे जो नेम लिखे थे मैंने वो सारे नेम आ गए, तो हमने बेसिकली उसका यूट्यूब नेम रखा था। तो देख लीजिए ये न्यू ईयर का आ गया, 6 months 18 days का न्यू ईयर का। और अगर क्या आपको डिलीट करना है तो आप रिमूव वैकअप कर सकते हैं, तो ये डिलीट हो गया। मैंने ऐसे किया था, अगर कि आपको कोई बड़ी साइज़ में चाहिए तो आपको बड़ी साइज में भी ले सकते हैं, मैंने अभी तक बड़ी साइज़ का कोई नहीं किया है। तब देखिए सपोज कि मैं ऐड करके एंड मुझे लार्ज का करना है, तो सेम प्रोसेस आपको वहाँ पे करनी है। ओके मैंने ये लिया, आपको थीम जो भी रखनी है वो आप रख सकते हैं। मैंने ये बेसिकली पाउडर थीम रखी हुई है पूरे मेरे अहमदाबाद में, मैं अहमदाबाद में रहती हूँ इसलिए यहाँ पर हम सेव कर देंगे। तो अब मैं बेसिकली यहाँ फिर से एडिट के जाके टाइम में करूँगी। तो मैं हमें लार्ज वाली लेनी है क्योंकि लार्ज वाली हमने रखी थी, हम लार्ज वाली लेंगे और वहाँ पे मैंने रख दी इसे, सी हो गया। आप और आप इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, जहाँ जैसे कि मुझे यहाँ पे मैंने इधर मूव कर दी, आप ऐसे कि कहीं मूव कर सकता है जिधर आपको मूव करनी है वहाँ पे। सो अब मैंने एक और ऐप से मैंने मेरा पीछे का बैकग्राउंड चूज़ किया था, तो वो भी आप सभी लोगों को मैं दिखाना पसंद करती हूँ। सो मैंने पीछे का एडिट किया था, तो वहाँ से अब देखिए आपको दिखाती हूँ मैं। एक ऐप स्टोर में से एक ऐप डाउनलोड करनी है, ये ZNNI जिनिया करके, एंड देन आपको उस पर उसमें अंदर आपको एंटर होना है। दैन ये एक टाइप की आपकी बोलते हैं ना वो सीक्रेट डायरी या फिर नोट्स कीपर बोल सकते हैं आप। सो मैंने फर्स्ट यहाँ पे मैं मेरे माइंड में मैंने लिखा हुआ है, तो फर्स्ट मैं न्यू पेज यहाँ से करूँगी। देन आपको जो कलर चाहिए वो आप न्यू पेज का लिए कलर चूज़ कर सकते हैं, एंड अगर कि आपको उसे कस्टमाइज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो क्रिएट अ न्यू पेज में जाना है, आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे कि आपको डॉट्स वाला चाहिए या फिर लाइंस वाला चाहिए, प्लेन चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। देन उसके बाद आपको स्टिकर्स पे जाना है, देन यहाँ पे जाके देन आप चेक कर सकते हैं आपको जो रखना है वो। मैंने ये ऑर्गेनिक टेक्सचर पे जाके एंड सपोज आप मुझे रखना है कुछ ऐसा, तो मैंने ये कलर लेके एंड बड़ा सा मैं इधर रख देती हूँ इसे। एंड आपको जो कलर चेंज करना है वो आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। वैसे सपोज मैंने ये कलर थोड़े से ब्राउन जैसे लिया, एंड अब मुझे इसमें थोड़े से हार्ट्स स्टिक करना है, तो मैंने यहाँ पे ये हार्ट्स कर दिए। ओके एंड अब मुझे कुछ स्पेशली नॉर्मल साइक थीम बैकग्राउंड चाहिए, तो इसे भी आप स्टाइल कर सकते हैं आपको जैसे स्टाइल पे चाहिए वैसे। एंड उस पर जाके देन आप नीचे नीचे जाएंगे, आपको बहुत सारे अलग अलग मिल जाएंगे जो भी आपको चाहिए वो। मैंने ऐसा कुछ अच्छा सा लाइक किया, देन मैं ये कंट्री साइड पे जाके एंड मुझे ये सपोज से मैंने यहाँ पे से क्रिएट कर दिया। ओके मैंने इसे यहाँ पे रख दिया, एंड इसमें और एक है ऐसा आपको रखना है तो। ओके मैंने इसे पिंक कलर में सपोज की रखा है। ओके देन ये आपका कलर हो गया, आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो बी हैप्पी का मैंने एक लिख दिया। ओके मैं उसे थोड़ा सा बड़ा कर दूँगी, थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे, आप इधर भी रख सकते हैं साइड में, आपको जो रखना है वो आप रख सकते हैं। एंड आपको थ्री डॉट्स दिखाई देगी साइड में, तो वो थ्री डॉट्स पे जाके आपको सेव टू फोटोज़ कर देना है। एंड देन आपको फोटोज़ में अपने जाके एंड लाइक आप उसे सेट यूज एज अ वॉलपेपर ऐसे, आपको जितना चाहिए उतना आप होम स्क्रीन पे जाके। एंड देखिए मेरा वो आ गया डिसअपीयर हो गया मेरा जो मैंने रखा था वो भी हैप्पी का। आप उसे जैसे भी सेटल करना है आप उसे सेटल कर सकते हैं, बट अभी मुझे फ़िलहाल मेरा ही अच्छा लगता है जो कि है ये वाला।
मुझे ये वाला ही अच्छा लगता है, तो अभी मैं ये वाला ही रख दूंगी इसे। ओके सो मैंने सेट ना होम स्क्रीन, तो ये आ गया मेरा, ये मैंने होम स्क्रीन पे रख दिया। सो ये था मेरा वॉच ऑन माय आईपैड, कैसा लगा आप सभी लोगों को मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप वो भी बताइए कि आपके पास आईपैड है। क्या आपको पता है फर्स्ट आईपैड कब रिलीज़ हुआ था? फर्स्ट आईपैड रिलीज़ हुआ था अप्रैल 3rd 2010 में रिलीज़ हुआ था। लाइक ये आईपैड का iOS था 3.2, मतलब कि बोलते हैं ना आईपैड iOS 3.2 था उसका। एंड क्या आपको पता है आपका अभी का करंट आईपैड मॉडल कौन सा है? अभी करंट आईपैड मॉडल है 8th जनरेशन का, जो कि है सितंबर 18 2020 का रिलीज्ड हुआ था, जो अभी वो करंट मॉडल है। और अभी का लेटेस्ट iOS वर्जन है 14.6। फॉर वॉचिंग माई नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग सून, सो टिल देन बाय बाय, सी यू।